A very good morning to all of you. Today we are going to start our 16th chapter, Rise of Popular Movements. As you have seen, there were political and electoral upheavals and political crises in the last chapter. And the only form that the people who were discontented, not satisfied, they expressed themselves. In 1970s, diverse social groups like women sections, student sections, Dalits, farmers, they felt that democratic politics did not address their needs and demands. Unna di needs te demands fulfill nahi ho rahi si. That's why they came under one banner, under social organizations, and these assertions were the rise of popular movements in Indian politics. Now let us see the next page, the picture which is shown here. Here some women are trying to hug a tree. It refers to the Chipko movement that started in 1973 in Uttarakhand. About Chipko movement you have done earlier also. Chipko movement de bare tusi pehla vi kita hoya hai. And you have to mark this. Prior to that I must tell you that this lesson number 7 or 16, Rise of Popular Movements, it contains 8 marks. It means from board papers, 6 mark question will definitely come from this chapter. Weightage of this chapter is 8 marks. One 6 marks question will definitely come from this chapter. The movement began in 2 or 3 villages of Uttarakhand. जदों फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने विलेजर्स ने ये डिमांड रखी कि उन्होंने एग्रीकल्चरल टूल्स बनाने हैं तो उन्होंने ये डिमांड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अगे रखी तो उन्होंने परमिशन अलॉट नहीं की कि वो ऐश ट्रीज नू गिरा के एग्रीकल्चरल टूल्स बना सकन ते बाद दे विच थोड़े दिन बाद ही फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने उही पैच ऑफ लैंड एक स्पोर्ट्स मैनुफैक्चरर नू अलॉट कर दिता ताकि उत्थे वो कमर्शियल यूज लई कुछ आर्टिकल्स बना सके. इस तरह विलेजर्स बहुत ज़्यादा गुस्से विच आ गए एंड दे स्टार्टेड द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट. दिस स्ट्रगल सून स्प्रेड ओवर मेनी पार्ट्स ऑफ उत्तराखंड रीजन. सिर्फ ये इशू नहीं रहा, कुछ और ज़्यादा इशूज भी नाल जुड़ गए जिमें कि इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द रीजन. विलेजर्स ने यह डिमांड की थी कि जेडे नैचुरल रिसोर्सिस है उन्हां दी एक्सप्लॉयटेशन नहीं होनी चाहिए है एंड कंट्रैक्ट्स शुड नॉट बी गिवन टू द आउटसाइडर्स. इट मीन्स दैट देयर शुड बी इफेक्टिव कंट्रोल ओवर द नैचुरल रिसोर्सिस लाइक लैंड, वाटर एंड फॉरेस्ट. इन्हां सारे रिसोर्सिस ते लोकल कम्युनिटी दे लोकां दा ही कब्जा होना चाहिए है, उन्हां दा ही कंट्रोल होना चाहिए है. मोर ओवर दे ऑल्सो डिमांडेड दैट टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज लो कॉस्ट मटीरियल शुड बी प्रोवाइडेड सो दैट देयर डेवलपमेंट कैन अकर विदाउट डिस्टर्बिंग द इकोलॉजिकल बैलेंस ऑफ नेचर. बिना इकोलॉजिकल बैलेंस ब्रेकअप किए सारे के सारे रीजन का विकास हो सके ते एनवायरमेंट ते भी कोई ज़्यादा नैगेटिव इफेक्ट ना पे. The main point of Chipko movement was women's active participation. It was the novel aspect of the movement. Forest contractors JDC usually doubled up as suppliers of alcohol to men. उन्होंने सिर्फ ash trees का ही नहीं मुद्दा उठाया जबकि women section ने alcohol की supply का भी मुद्दा उठाया. They started doing the agitations against the habit of alcoholism and the agenda of the movement was to cover the social issues. Aur sare bhi social issues naal de naal start ho gaye. Is movement di victory itthe kaam aandi hai. Assi keh sakde haan it has achieved a victory when the government issued a ban on felling of the trees in the Himalayan regions for the next 15 years until the green cover was restored. जदों तक अगले 15 साल तक ट्रीज़ नू गिरान दा काम खटाई विच पा दिता गया, बैन लगा दिता गया, तो उदों तक जदों तक ग्रीन कवर जड़ा है, ग्रीनरी जड़ी है, वो
रिस्टोर नहीं की जा सकती। एंड दीज पॉपुलर मूवमेंट्स इमर्जिंग इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, इट वॉज द पॉपुलर मूवमेंट्स, ये पॉपुलर मूवमेंट्स ही सी। एंड इन दिस चैप्टर विल स्टडी सम ऑफ अदर पॉपुलर मूवमेंट्स, बट प्रायर टू दैट एज ऑलरेडी टोल्ड टू यू, इट दिस चैप्टर कंटेन्स 8 मार्क्स। एक एक मूवमेंट के बारे तुसीं की करना है। फर्स्ट इज नेम, उसका नाम की है। वैन, वैन इट वॉज स्टार्टड, वेयर इट वॉज स्टार्टड, वाई इट वॉज स्टार्टड, वट वर द डिमांड्स, वट वर द अचीवमेंट्स, की डिमांड की गई तो एंड विच की अचीव किया गया। जिमें इतने अचीवमेंट है दैट फॉर द नैक्सट 15 ईयरस देर विल बी नो फेलिंग ऑफ द ट्रीज इन द हिमालयन रीजनस अंटिल द ग्रीन कवर वॉज फुल्ली रिस्टोर्ड। दीज यू हैव टू लर्न। नाउ वी विल डू द टू टाइप्स ऑफ पॉपुलर मूवमेंट्स। द फर्स्ट वन इज पार्टी बेस्ड एंड द अदर वन इज नॉन पार्टी मूवमेंट। As already told to you, party based. Now here I want to tell you that what is the definition of a popular movement. When any movement is actively supported by a large section of society, it is known as popular movement. जदों कोई भी movement नू society दा बहुत बड़ा section support करता है तो उस condition विच उसी उनू popular movement कहने हाँ। Let us see the party-based movement. Party-based movement, when any movement is started by any political party or supported by them, these are called party-based movement. Jadon koi movement political party dwara start kiti jave te support kiti jave to usnu asi party-based movement da naam davange. For example, anti-casteism movement, anti-untouchability movement, reform movement, these are all the party based movements. Now trade union movement is also a party based movement. It had a strong presence among the industrial workers in major cities like Mumbai, Kolkata and Kanpur. Har ek political party ne trade unions banayi hui hai taki oh har section de naal rabta qaim kar sakan. Jede peasants si Telangana de आंध्र प्रदेश के दे स्टार्टेड मैसिव एजिटेशंस अंडर द लीडरशिप ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी इन द अर्ली ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस एंड डिमांडेड द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड टू द कल्टीवेटर्स। उन्होंने मांग सी, उन्होंने डिमांड सी, पीजेंट्स जो तेलंगाना के पीजेंट्स से कि सारी की सारी लैंड की रीडिस्ट्रीब्यूशन होवे कल्टीवेटर्स नू। एंड मोर ओवर ऑन द अदर साइड द पीजेंट्स एंड एग्रीकल्चरल लेबरर्स इन in parts of Andhra Pradesh, West Bengal and Bihar and adjoining areas, they started their agitations under the leadership of Marxist-Leninist workers which were known as Naxalites. Naxalites, in last chapter which we tanu dassya gaya, Naxalites the leadership de vich Andhra Pradesh, West Bengal, Bihar de unna de aale dwale de regions de loka ne apne agitations start ki thi. So if the movement depends on other parties, then it is called party-based movement. Political parties start movements for their benefits and increase it. Total control party-based movement the political parties da hi rehnda hai. Next type of popular movement is known as non-party movements. When any movement is started by a group unorganized people, इट इज़ कॉल्ड नॉन पार्टी बेस्ड मूवमेंट। जदों कोई मूवमेंट एक अनऑर्गनाइज लोगों के समूह द्वारा स्टार्ट की जाती है तो उन्होंने असी नॉन पार्टी मूवमेंट कहना कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल चिपको मूवमेंट, पैंथर्स मूवमेंट, दीज आर ऑल नॉन पार्टी मूवमेंट्स। हुंदा कुछ इंज है कि 1970s ते 80s ते आंदिया आंदिया तक अलग अलग सैक्शन जेडे ने पॉलिटिकल पार्टीज़ की फंक्शनिंग तो अलग हो जाते ने क्योंकि जनता जनता पार्टी की सरकार आती है एंड इट फेल्ड वेरी बैडली, जिस तरह कि वो करके ही पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी इंडियन डेमोक्रेसी दे विच आ जाती है। तो ये इमीडिएट कॉज है नॉन पार्टी मूवमेंट्स के स्टार्ट होने का। कुछ मनी ऑफ द पॉलिटिकल एक्टिव ग्रुप्स दे लॉस्ट फेथ इन द एग्जिस्टिंग डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस
एंड इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, देयरफॉर दे चोज टू स्टेप आउटसाइड ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी एंड एंगेज इन मास मोबिलाइजेशन फॉर रजिस्टरिंग देयर प्रोटेस्ट। अपनियां मंगां नूं पूरियां करन लई अलग अलग ग्रुप्स ने यह बेहतर समझिया कि वह पार्टी पॉलिटिक्स तो बाहर निकल के मास एजिटेशन करन, मास मोबिलाइजेशन करन, ताकि अपनी मंगां नूं पूरियां करवा सकन। इन दिस स्टूडेंट्स, यंग पॉलिटिकल एक्टिविस्ट अलग अलग सैक्शन से, ये मार्जिनलाइज सैक्शनस जिमें दलित्स ते आदिवासी स्टूडेंट्स, यंग पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, ये सारे लोग सामने आए ते उन्होंने ऑर्गेनाइज कीतियां दीज नॉन पार्टी मूवमेंट्स। द मिडिल क्लास यंग एक्टिविस्ट लॉन्च्ड सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस एंड कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स अमंग रूरल पीपल। जेडे मिडिल क्लास यंग पीपल सी उन्होंने लॉन्च कीती सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस, कुछ कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स भी स्टार्ट किए रूरल एरिया दे विच, और इस तरह बिकॉज ऑफ द वॉलंटरी नेचर ऑफ देयर सोशल वर्क मैनी ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशन केम टू बी नोन एज वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस और वॉलंटरी सैक्टर ऑर्गेनाइजेशंस। कुछ लोगों ने उन्होंने सोशल वर्क वाल ध्यान दिता, वॉलंटरी नेचर से इन्ह सारिया ऑर्गेनाइजेशंस का, इस करके इन्हों वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन या वॉलंटरी सैक्टर ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिता जाता है। दीज वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन चूज टू रिमेन आउटसाइड द पार्टी पॉलिटिक्स। इन्होंने पार्टी पॉलिटिक्स तो दूर रहना ही अपने लिए भला समझिया, ताकि उन्होंने अपन डिमांड्स पूरी हो सकन, उन्होंने प्रोटेस्ट जोड़ा उन्होंने नीड्स ने वो फुलफिल हो सकन। ना ही उन्होंने इलेक्शंस में पार्टिसिपेट किया, ना लोकल लेवल पर, ना रीजनल लेवल पर, ना ही किसी पोलिटिकल पार्टी को अपना सपोर्ट दिता, क्योंकि बहुत ज़्यादा ग्रुप्स ये बिलीव करते सी, दे मोस्ट ऑफ दीज ग्रुप्स बिलीवड इन पॉलिटिक्स एंड वॉन्टेड टू पार्टिसिपेट इन इट, बट दो थ्रू पोलिटिकल पार्टीज़ ये पार्टिसिपेट तो करना चाहते सी, लेकिन पोलिटिकल पार्टीज़ के थ्रू। तो इन ऑर्गनाइजेशन क्योंकि इन्होंने पोलिटिकल पार्टीज़ को सपोर्ट नहीं किया ते ना ही कंटेस्ट किए इलेक्शंस, इस करके इन्हों असी नॉन पार्टी पॉलिटिकल फॉर्मेशंस का नाम देंदे हाँ।